अस्सलाम वालेकुम, मैं चांद वेलकम करता हूँ इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। वीडियो को एंड तक स्टेप बाय स्टेप ज़रूर देख लीजिएगा, कहीं पर भी इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे चार्टन या फिर किसी भी ऐसे एयर कंडीशनर में जिसमें 3-फेज स्क्रोल टाइप या कोई किसी भी टाइप का कंप्रेसर लगता है, अब यहाँ पर आपके सामने जो कंप्रेसर है यह है स्क्रोल टाइप और यह 4 टन के यूनिट में लगा हुआ है। 3-फेज कोई भी कंप्रेसर हो तो उसकी आपको कनेक्शंस वायरिंग कैसे करनी है जिसमें आपको कोई बाद में प्रॉब्लम ना बने, और अगर कोई प्रॉब्लम बने भी, मिसाल के तौर पर अगर बाद में आपका कंप्रेसर ना चले सही से, तो फिर आपको क्या करना है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल होगा तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल पर न्यू है तो इस वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे भी आने वाली वीडियो जो है वो मिलती रहे। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि हमने इसकी वायरिंग कनेक्शंस कैसे करने हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि इसमें कैपेसिटर नहीं लगता इस यूनिट में। इस कंप्रेसर के साथ, 3-फेज कंप्रेसर के साथ कैपेसिटर नहीं लगता, डायरेक्ट 3-फेज इसमें कनेक्ट होते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने वीडियो प्ले की है। यहाँ पर अगर आप सबसे पहले देखेंगे तो 3 पॉइंट आपको कंप्रेसर की साइड पर लगे हुए मिलेंगे। ऊपर जहाँ पर आपको T1, CT1 और RT3 और 2 जो है वो आपका राइट साइड जो अकेली वायर है, वायर उस तरफ है, मतलब ये इसमें कोड होता है। तो इसके साथ आप ये देखेंगे 3 नंबर है और दूसरा 4 नंबर जो है, 2 नंबर जो है वो दूसरी साइड पर है। तो मतलब 1, 2, 3 पॉइंट हैं, तो इसमें T1, T2, T3 लिखा हुआ है। आपको इसके जब भी कनेक्शन करने हैं तो जो T1 पर है और T2 पर है, T3 पर है, वो आपको एग्जैक्ट सेम जो आपके वापडा से आ रहे हैं आपके फेस, वो सबसे पहले ऊपर वाले कनेक्टर में कनेक्ट होते हैं और वहाँ से जो है सीधे आपके जो वो फेस हैं, वो फेस आपके मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर में चले जाते हैं और मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर से जो है आपके कंप्रेसर में चले जाते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आपके फेस लग रहे हैं तो पहला फेस नंबर 1 पर लगाएं, ABC के हिसाब से A पर, नंबर वाइज A 1 पर, 2 पर, 3 पर, उस हिसाब से 1 नंबर पर, फिर 2 नंबर पर, फिर 3 नंबर पर। तो उसी तरह आप मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर में लगाएं, फिर उसी तरह यहाँ पर कंप्रेसर में लगाएं। मतलब आप अपने फेस को चेंज मत कीजिएगा, अगर आप चेंज करेंगे तो आपका कंप्रेसर नहीं चलेगा। मतलब आपका पहला फेस आ रहा है तो आपका ऊपर कनेक्टर में 1 नंबर पर लग गया, फिर आपके मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर में जो है वहाँ पर 1 नंबर पर लग गया, और फिर यहाँ पर जो है कंप्रेसर में T1 से ऊपर जो लिखा हुआ है CT1, यहाँ पर 1 नंबर पर लग गया। फिर दूसरा इसी तरह स्टेप बाय स्टेप 2 नंबर लगता हुआ आते हुए यहाँ पर कंप्रेसर में 2 नंबर पर ही लग जाएगा, तीसरा 3 नंबर पर ही लग जाएगा। इससे ये होगा आपके फेस चेंज नहीं होंगे। 3-फेस में अगर फेस आपके चेंज हो जाएँ तो कंप्रेसर आपका वर्क नहीं करता, काफ़ी ज़्यादा उसकी आवाज़ हो जाती है जब आप इसको ऑन करते हैं, तो वो कूलिंग नहीं करता, गैस को सर्कुलेट नहीं करता। अब मान लीजिए आपने तो तरतीब वाइज कनेक्शन इसके कर दिए, और यहाँ पर मैं एक जो और चीज़ क्लियर आपको करता चलूँ, मैं इस पर एक जल्द ही टेस्टिंग की वीडियो भी लेकर आने वाला हूँ कि इसका कंप्रेसर सही है या नहीं सही, कैसे आप मीटर से इसको टेस्ट कर सकती हैं, वो वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं जल्द ही वो भी लेकर आ जाऊँगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये हम बात कर रहे थे कि अगर आपका फेस, मान लीजिए आपने तो नंबर वाइज ठीक वायर लगाई है लेकिन वापडा की तरफ से जो है इसका फेस चेंज हो चुका है, या किसी भी वजह से कह लें कि इसका फेस फिर भी चेंज हो गया और कंप्रेसर नहीं चल रहा, काफ़ी अजीब सी आवाज़ आ रही है, फिर आप इसको कैसे टेस्ट कर सकेंगे। मान लीजिए आपकी रेड वायर और ब्लू वायर जो है ये आपने चेंज कर देनी है, रेड की जगह ब्लू और ब्लू की जगह रेड कर दिए, मतलब फेस को एक दूसरे की तरफ चेंज कर दीजिए, ट्राई करें, अगर चल जाए अच्छी बात है, अगर फिर भी ना चले तो फिर दूसरे फेस को, मतलब जो आपका वही फेस वापस आप कर दें, रेड और ब्लू को अपनी अपनी जगह पर कर दें, फिर वाइट के साथ रेड को ट्राई करें, अगर चल जाए तो अच्छी बात है, अगर फिर ना चले तो फिर आप फिर दोबारा वाइट और रेड को वहाँ पर कर दें और फिर ब्लू और इसको वाइट को ट्राई करें। तो इस तरह से आप इसको ट्राई करके अपने कंप्रेसर को बाद में ऑन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा इस पर एक लाइव वीडियो भी बना दूँ, एक तो टेस्टिंग की बनाऊँगा और एक इसके ऊपर लाइव, ऐसा अगर फॉल्ट आए तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे फेस को चेंज करने से, उससे आपके सामने जो है प्रैक्टिकल हो जाएगा तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा।
तो ये आज की एक छोटी सी वीडियो थी, लेकिन काफ़ी ख़ास वीडियो थी। उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी वीडियो से कुछ न्यूज़ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, और हमारे चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर लेना है, इलेक्ट्रिकल फंक्शन यूट्यूब चैनल को। इस वीडियो के नीचे लाल वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साथ एक घंटी का निशान बन जाएगा वहाँ पर भी क्लिक करके ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको हमारी जितनी भी वीडियोज़ आएंगी इस चैनल पर आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।